घड़ी हमारी कैसी प्यारी टिक 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 चलती है, समय बताती सुख पहुंचाती, कभी न करती गलती है, ठीक समय पर चाबी देकर करते हम इसका सम्मान, कै बज करके कै मिनट हुआ, कै बज कर कै मिनट हुआ है, जब चाहे तब लेते जान, नगर भवन में निजी सदन में दीवालों पर देते चांद, विद्यालय में छात्रालय में सभी जगह घड़ियों की मांग, रिस्ट वॉच जो होती है वो रहती बधी कलाई पर, कभी कहीं जब जाते हैं तब लेते उन पर डाल नजर, घर में मग में सारे जग में इनके बिना न चलता काम, इसीलिए तो हम खुश हो गाते हैं इनका गुणगान, गाते हैं इनका गुणग्राम, गुणगान नहीं गुणग्राम, सजी सवारी बड़ी दुलारी प्राणों से भी प्यारी है, बकलस वाली नई निराली मित्रों घड़ी हमारी। ये है कविता घड़ी नाना जी जीवन शर्मा जीवन की, और आशा है कि जिस तरह मुझे इसने आनंदित किया है आपको भी किया होगा। ऐसा हुआ कि मेरी घड़ी कनाडा में बस में खक्का मुक्की में गिरी, और वो बड़ी प्यारी घड़ी थी चाचा चाइचन की, और मेरी शादी के वक्त खरीदी हुई। उसके बाद से मैंने यूं भी घड़ी नहीं खरीदी कि अब कौन घड़ी, अब तो सब मोबाइल जो है वो मतलब कब्जा उसने कर लिया है हमारे जीवन में। बहरहाल फिलहाल मैं अपने खाली हाथों को इंजॉय कर लेती हूँ ज़्यादा, जैसे खुश होती हूँ तो कंगन पहन लेती हूँ कंगना रनौत को याद करके। मैं गे नहीं हूँ दोस्तों, मुझ पर ये इल्ज़ाम हो रहा है, मतलब मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे हैं उनमें ये भी लगा है कि दोस्ताने में आप लुम्बा तो बांध सकती हैं राखी में लेकिन कंगना नहीं। बहरहाल मुझे उसकी वो फिल्म अच्छी लगती है, वो जो काफ़ी पहले वाली थी, शायद वो लम्हे जो सर्वेलेंस और पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री के अभी उसके बारे में। तो नमन करते हुए सुशांत सिंह राजपूत को घड़ी शीर्षक कविता से बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन कितनी प्यारी कविता। सच घड़ी वैसे ही टिक टिक करती है, हर वक्त समय पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता। सुनने के लिए धन्यवाद।